लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि दूसरे मजहब को देखते हैं और उससे इस्लाम को समझते हैं कि आज के दौर के अंदर इस्लाम पे चलना नामुमकिन है, इसको छोड़ेंगे तभी हम ऊपर जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। लेकिन इसकी कई मिसालें सहाबा ने भी पेश की, क्योंकि हज़रत उमर दुनिया के अंदर लाखों बादशाह हुए हैं, खलीफा ही हज़ारों हुए हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जो लिस्ट बनाई गई है कि टॉप 100 की, उसके अंदर हज़रत उमर का उसके अंदर 50वां रैंक आती है, उसके अंदर 50वीं रैंक। हालांकि उनकी रैंक और ऊपर हो सकती थी, लेकिन वो सर्वे उन्होंने जैसे किया, क्योंकि वो मुसलमानों ने तो नहीं किया, तो जिसने भी किया हो तो उसमें भी 50वीं रैंकिंग आती है, जबकि लाखों लोग गुजरे, लाखों, और उनकी उसमें 50वीं रैंक आती है, जो वो मुस्लिम तंजीम ने नहीं किया, गैर मुस्लिम तंजीमों ने किया, उनको शामिल किया गया, क्योंकि उन्होंने उनको बताया है उसके अंदर कि दीन पर और उसके अंदर भी कामयाब हो सकता है इंसान, वहाँ पहुँच सकता है कि आधी दुनिया से ऊपर के वो बादशाह थे, तो दीन पर चलकर भी वो पा सकता है। और कई सहाबा ऐसे थे जिनके ताल्लुक से आता है कि उनके पास इतना इतना सोना था कि जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी विरासत को तकसीम करने के लिए दो दो तीन तीन दिन तक उन जो है लोग कुल्हाड़ियाँ लेकर उनको तकसीम करते रहे, उनके बच्चों के अंदर सोने को, उनकी जितने बड़े बड़े सिल्ले थे कि उनको काट कर तकसीम करते रहे, जबकि उन्होंने सारे हक अदा किए, जकात भी दी और अल्लाह की राह में खूब खूब खर्च किया, लेकिन उसके बाद भी इतना था उनके पास। तो ऐसा भी नहीं है कि दीन पर चलकर जो है इंसान पैसा नहीं कमा सकता, उस पर भी कमा सकता, ये भी हमको मिसालें मिलती हैं। तो सहाबा की ज़िंदगी में हर तरह की हमको मिसाल मिलती हैं, और ऐसे ऐसे लोगों ने जो पढ़ाई के अंदर गए, जैसे इब्ने अब्बास हैं, इब्ने उमर हैं, ये इतने बड़े बड़े कि दीन के जो है बड़े बड़े ये मुहद्दिसीन थे, और बड़े बड़े सहाबा इनसे मसले पूछा करते, तो ये पढ़ाई के अंदर इतने आगे चले गए, तो ये भी हमको मिलता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दीन पर चलकर आदमी जो दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकता।